हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। एंड जैसा कि आपको पता है, लेखपाल का आपका बैच चल रहा है, 25 आउट ऑफ 25 बैच मैथ का, ठीक है ना। और आपको पता है कि मैंने युगपत समीकरण पढ़ाया था, उसका पार्ट वन खत्म हो गया है और आज आपका पार्ट टू है। कौन सा है? पार्ट टू है, ठीक है ना। इस पार्ट टू में इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के रैखिक समीकरण। पार्ट वन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो मैंने केस वन, केस टू, केस थ्री है, ये मैंने बहुत अच्छे से पार्ट वन में समझाया है। यहाँ पे केवल आपको रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए आगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, देखिए आपका प्रतिशत और लाभ और हानि, ये आपके बड़े चैप्टर थे, ठीक है ना। ये बड़े चैप्टर थे, इनको मैंने खत्म कर दिया। एलसीएम और एससीएफ, एलसीएम एंड एससीएफ, ये भी आपके बड़े चैप्टर थे, इनको भी मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद युगपत समीकरण आज आपका खत्म हो जाएगा, पार्ट टू आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप यहां से कर लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे। उसके बाद मैं शुरू करूंगा आपका द्विघात समीकरण, उसके बाद गुणनखंड और उसके बाद क्षेत्रफल प्रमेय। इसको फिर आपका बीजगणित पूरा का पूरा यहां से सेक्शन खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, जैसे कि जो बच्चे भी नया नया ज्वाइन किए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में तो वहां पे लेखपाल मैथ्स, ठीक है ना, वहां पे आपको मिलेगा लेखपाल मैथ्स 25 आउट ऑफ 25 बैच। वहां पे आपका प्लेलिस्ट में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, युगपत समीकरण हो गया, ठीक है। इन सारी इन सब के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, आप वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये जो मैंने टेबल बताया था, समझाया था पार्ट वन में, यहाँ पे एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। जैसे कि आपके पास दो लाइन है, ठीक है, आपके पास दो लाइन है, L1 = A1x + B1y + C, और L2 कितना है, A2x = 0, A2x + B2y + C1 C2 = 0, ठीक है ना। तो ये आपके पास दो दो लाइन है, तो इसके इसके ऊपर बेस्ड मैंने ये आपको कुछ कंडीशन बताए थे, ठीक है। तो यहां पे जब मैंने बताया था A1 upon A2 डज नॉट इक्वल टू B1 upon B2, ठीक है, एंड डज नॉट इक्वल टू C1 upon C2, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो दो लाइनें हैं आपकी, जो ये आपको दिख रहा है, इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा। और पूछा जाता है कौन सा युग्म है, तो संगत युग्म है। इसी तरीके से केस टू में A1 upon A2 = B1 upon B2 = C1 upon C2, जब भी ऐसा होगा तो ये संपाती होंगी, क्या होंगी, संपाती होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, जैसा कि आपको ये दिख रहा है लाइनें जो मैंने बनाई हुई है। और इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनंत होगा, या फिर बहुत, मतलब कई सोल्यूशन होंगे। और अगर ये संगत और असंगत के बारे में पूछा जाए, तो ये संगत भी हो सकते हैं, असंगत भी हो सकते हैं, इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। थर्ड केस था A1 upon A2 = B1 upon B2 = does not equal to C1 upon C2। ऐसे केस में ये क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी और समांतर होंगी, ठीक है ना। और सोल्यूशन की बात करेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, असंगत युग्म, ठीक है ना। युग्म कैसा होगा, असंगत युग्म होगा। तो आपके पास पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, टू, जैसे कि आपको दिख रहा है 2x + 3y = 13, एंड सेकेंड है 4x - 3y = 5 हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपके पास है 2x + 3y = 13, और दूसरा क्या है आपके पास, 4x - y = 5। तो मैंने पहले पार्ट में दो विधि बताई थी, एक बताया था मैंने एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा क्या बताया था, जिसको हम इसको हम कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है। तो वहां पे आपसे विधि विधि के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन इन सारे, और दूसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो आपसे विधि नहीं पूछेगा, आपको बस सोल्यूशन करके बताना है, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका माइनस का वाई है, यहाँ पे आपका क्या है, माइनस का वाई है, और यहाँ पे थ्री है, तो हम इसमें क्या करेंगे, थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो आपका हो जाएगा 2x + 3y = 13, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, 4 × 12x
-3y बराबर 15। ठीक है, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दो 14, x बराबर कितना हो गया 28, x बराबर 2 हो गया आपका। ठीक है ना, अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन इक्वेशन 1 में हम x बराबर 2 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 13, और यहां से 3y बराबर 9 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 और 3, ये हो गया पहला। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि यदि x प्लस 2y बराबर -1, क्या है यदि x प्लस 2y बराबर -1 तो आपसे कह रहा है, और 2x माइनस 3y बराबर 12 हो तो x तथा y के मान बताने हैं। देखिए यहां पे आपको दे रखा है x प्लस 2y बराबर -1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 12, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब यहां से हमें दिख रहा है कि अगर हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 का गुणा कर दें, ठीक है 2 का गुणा कर दें तो भी, या फिर ठीक है ऐसे भी हो सकता है, कई तरीके हैं, 2 का गुणा कर दें, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 2, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू का 12। ठीक है, अब इसको अगर हम घटा दें तो ये यहाँ घट जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कट गया। और ये 4 और 3 कितना हो गया 7y बराबर कितना हो गया 12, तो 14 माइनस का 14। ठीक है ना, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो यहां से y बराबर आपका कितना आ गया, y बराबर 7 × 14 माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब y बराबर 2 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में y बराबर 2 रख देंगे -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू -1, तो x माइनस 4 इक्वल टू -1, और x बराबर माइनस का 1 प्लस का 4 तो कितना हो गया 3 हो गया, तो x बराबर 3 y बराबर -2, इक्वेशन ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अभी आगे आप देखते रहिए, क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का आने का आपको बहुत चांस है। 47x प्लस 31y बराबर 63, 31x प्लस 47y बराबर 15, तो आपके पास है 47x प्लस 31y बराबर 63, और दूसरा क्या है कहाँ गया, 31x प्लस 47y बराबर 15। अब यहां पर अगर हम इनको बराबर करने लगे, या फिर इसमें हम क्या करें 47 का गुणा कर दें, और इसमें हम क्या करें 31 का गुणा कर दें, तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, सॉल्व करना प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिक आप समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक्स की जो वैल्यू है वो अगर वाई की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो अगर वाई की वैल्यू है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जोड़ देना है, क्या करना है, इक्वेशन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5, 7 और 1, 8 हो गया, 4, 3, 7 हो गया, एक्स प्लस और 7, 1, 8 हो गया, 4, 3, 7 हो गया 78, वाई बराबर 5, 3, 8 और 6, 1, 7, तो यहां से आप देख रहे हैं 78 कॉमन हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 78, तो यहां से एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहां पे ऐसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे, एंड सेकेंड केस में क्या करेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो अब हम एक बार माइनस करके देखते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है 47x माइनस प्लस 31y बराबर 63, और दूसरा क्या है 31x प्लस 47y बराबर 15। अब अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या हो गया 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 4 में से 3 गया 1। ठीक है ना, 6 और 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड,
ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका प्लस का है, 31 प्लस का है और 47 आपका माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो घटेगा तो 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे एक्स भी आएगा और ये हो गया वाई। अब इसमें नंबर कौन सा बड़ा है? इसमें आप नंबर देख रहे हैं 47 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा। तो यहाँ पे हो गया 13 में से 5 गया, 8 5 13, और यहाँ पे क्या हो गया? 5 में से 1 गया 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 16 कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर 48 हो गया। और 16 16 16 से 32, 16 तिया 48, तो एक्स माइनस वाई बराबर 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 3 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3 है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये और ये कट गया, तो 2x बराबर 4 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया, अब उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 3, और ये माइनस का 2 इधर आ गया, तो y बराबर आपका आ गया माइनस का 1। कितना आ गया? माइनस का 1। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, 2 और -1। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है इसी तरीके से, युगपत रैखिक समीकरण, ठीक है, युगपत रैखिक समीकरण 2, इतना इतना को हल करें। तो देखिए आपको लिखा हुआ है 23x माइनस 29y बराबर 98, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है 29x माइनस 23y बराबर 110। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है साफ साफ, जो y की वैल्यू है 29 वो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है 23 वो y की वैल्यू है, ठीक है ना। माइनस माइनस दोनों माइनस में है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों माइनस में है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये 9 और 3, ठीक है, इसको हटाइए, प्लस करने में ये हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो 9 और 3 12, 2 हंसने लगाए, 4 और 4 2 और 2 4 और 1 5, एक्स। और माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन माइनस का आएगा, 9 3 12 2 हंसने लगाए, 2 2 4 और 1 5, वाई बराबर 8 9 10 0 208, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं 52 आपका कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना बचा? 208, और यहां से एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे काम करिएगा, देखिए इक्वेशन 2 में जो है यहाँ पे 29 बड़ा है, ठीक है, और 23 छोटा है। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया 29x माइनस 23y बराबर 110, और 23x माइनस 29y बराबर 98। अब हमें माइनस करना है, तो माइनस, और ये माइनस है यहाँ पे, तो हमारा प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। अब इसमें हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 6x, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि 29 आपका बड़ा है, आप समझ रहे हैं, 29 आपका बड़ा नंबर है, इसलिए साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा। और प्लस और ये प्लस और माइनस करेंगे तो घट जाएगा, आपका आ गया 6y बराबर, यहाँ पे से अगर हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, ठीक है, ये भी प्लस का रहेगा। तो यहाँ से 6 कॉमन आ गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 12, और एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 6 दूनी 12, ठीक है। तो आपके पास एक हो गया ये इक्वेशन हो गया, और एक ये हो गया। सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 2 और एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये कट गया, तो 2x बराबर 6 हो गया, x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर 3 केवल यहीं पर है, तो अगला सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अगला सॉल्व करने की जरूरत है, करके देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका इक्वेशन है इसी में पुट कर दे रहे हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4 है, और x बराबर 3 आया है, तो 3 माइनस वाई बराबर 4,
तो माइनस का वाई बराबर कितना हो गया, एक हो गया, तो वाई ये माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस उधर चला जाएगा ना, तो देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अच्छे से पढ़ लेना यार, ठीक है ना, नोट्स तो जरूर बनाइए आप लोग। पांचवा क्वेश्चन है, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, क्या है, संगत हैं, तो इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैंने जो आपको टेबल बनाया था, टेबल बना के दिया था, वो आपको क्या करना है, लर्न करना है, ऐसे थोड़ी ना बना के दिए हैं। केस वन, केस टू एंड केस थ्री, ये तीनों आपको लर्न करना है, ठीक है। तो संगत है, तो संगत युग्म में कौन सा था, केस वन था, केस वन था, और केस वन में क्या था, इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। अब देखिए यहां पे युग्म संगत है, ठीक है ना, चलिए इंटरसेक्ट कर रही थी, तो एक तो ये हो गया संगत युग्म, और आपका जो केस टू था उसमें क्या था, संगत या असंगत दोनों होते हैं, ठीक है ना, संगत या असंगत दोनों होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ठीक है, यहां पे बात समझ में आ रही है ना, आप एक बार क्या करो, संगत है ना, संगत वाला टेबल दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए देखिए, एक तो संगत ये रहा, देखिए एक तो आपको यहां पे संगत युग्म में दिख रहा है, ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, प्रतिच्छेद करेगी, और एक आपको संगत यहां पे भी दिख रहा है, तो क्या हो गया, आपका संपाति होगी, और यहां पे तो असंगत है, ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रतिच्छेद और संपाति दोनों आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे बहुत से बच्चे गलती करेंगे, जानते हैं क्या गलती करेंगे, दिखा रहा हूं मैं भी आपको क्या गलती करेंगे, डोंट वरी। देखिए बच्चे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करती है, यहीं भी टिक कर देंगे, वो आगे देखिए संपाति भी तो है, संगत युग्म में आपके क्या होते हैं, दो केस में आता है, या तो प्रतिच्छेद भी करेगी और संपाति भी होगी, ठीक है ना, अभी मैंने आपको दिखाया, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, ये भी जान लीजिए। युगपत रैखिक समीकरण 4x+3y = 2 और 8x+6y = 4 के कितने हल हैं, ठीक है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, आपको दे रखा है, आपने, आपको पता है ना क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं, ये हो गया 4/8, ठीक है, देखिए ये 4 हो गया a1 और 8 हो गया a2, ठीक है ना, बराबर b1 क्या हो गया, b1 हो गया आपका 3 और b2 कितना हो गया 6, तो 3/6, और c1 कितना हो गया, c1 आपका 2 हो गया और c2 आपका 4 हो गया, 2/4, इसको अगर हम काट दें 1/2 हो जाएगा, 1/2, ये भी 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया, तो 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब क्या है, सब बराबर हैं, और अगर सब बराबर हैं तो क्या था आपका केस, क्या था आपको याद होना चाहिए, संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है ना, ठीक है। और क्या था आपका, एक और प्रॉपर्टी क्या था, ये आपकी क्या होंगी, संपाती होंगी, संपाती होगी, ठीक है ना, और कितने हल होंगे, तो अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है ना, तो यहां पे देखिए कोई हल नहीं होगा, या फिर अनंत अनंत हल होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए, युगपत रैखिक समीकरण आपका जो दे रखा है ये है कि कितने हल हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, मैं कह रहा हूं 100% आपसे पूछेंगे ऐसे ही, तो आपका क्या हो गया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो a1 कितना हो गया 5 और a2 कितना हो गया 3 हो गया, = b1 कितना हो गया, b1 1 हो गया और b2 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, c1 कितना हो गया 7 हो गया और c2 कितना हो गया 18 हो गया, तो देखिए ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, जब तीनों इक्वल नहीं है तो क्या करेंगी, आपका क्या होगा, केवल एक ही हल होगा, यूनिक हल होगा, यूनिक हम बोलेंगे या अद्वितीय बोलेंगे, ठीक है ना, अद्वितीय बोलेंगे, तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, ये टेबल लर्न होगा ना, तो एक एक मिनट का काम भी नहीं है ये, ठीक है, तो टेबल लर्न करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, अब किस मान के लिए अनंत हल होंगे, ठीक है ना, अनंत हल का मतलब क्या है, अब आपको देखिए अनंत हल आपका किसमें था, अनंत हल किसमें था, केस टू में था,
कब, जब लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं या फिर संपाती होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं या फिर हम क्या कहेंगे, संपाती होती है, ठीक है ना। तो इसका कंडीशन क्या था, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, सभी इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पे समीकरण में रख के देख लेते हैं, 2/4, 3/k और क्या है, 5/10, ठीक है ना। तो आपसे क्या कह रहा है, अनंत हल कह रहा है ना, तो अनंत हल यहीं पे होगा, संपाती में आपका अनंत हल होता है, तो ये आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, 1/ ये इक्वल है और ये इससे भी इक्वल है, तो आप किसी से भी सोल्यूशन ले सकते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम 2/4 इक्वल टू 3/k इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 यहां से हमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, तो k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया आपका आंसर, ये रहा आपका राइट आंसर। अच्छा, अगर मैं ये वाला ले लेता, इन दोनों को ले लेता अगर मैं, तब तो 3/k इक्वल टू 5/10, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो k बराबर यहां से भी 6 ही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, 9वां। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म, इतना इतना के शून्योत्तर हल होंगे। बेटा जान लीजिए, शून्योत्तर मतलब क्या होता है, अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है ना, इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अनंत हल के लिए अभी आपको पता था क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/k इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 0/0, ठीक है ना, तो इसको तो हटाई दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, इसको ऑप्शन से कर लीजिए या फिर ऐसे भी कर लीजिए। तो 3/k इक्वल टू 1/2, तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका, 6 आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर 6, ये 3 का 6, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 3/k इक्वल टू 1/2, तो k की वैल्यू आप ऑप्शन से देख के रख लीजिए कि किस किसको रखें, कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या होगा, k की वैल्यू 6 ही होगी ना। बात समझ में आई बच्चों, चलिए, लव यू बच्चों, प्लीज सपोर्ट करिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इतने अच्छे से इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। बैच कैसे ज्वाइन करना है, देखिए ये वाली क्लास भी मैंने आपके लिए फ्री रखी है, लेकिन आगे, क्योंकि 29 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने क्यों इसको रखा हुआ है, वो आप सारे रीजन मैंने बता रखे हैं, ठीक है ना। एक बात और फिर से बता दे रहा हूँ, गूगल गूगल पे से आप कैसे पेमेंट करेंगे, इसका वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है नीचे, ठीक है ना, और ठीक है ना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं, फोन पे से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यदि समीकरण युग्म 2x+3y=7 और इतना के अनंत हल हो, तो अब आपको फिर से पता है अनंत आपसे बोल रहा है, तो अनंत के लिए क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, तो इक्वल टू बी वन, बी वन की वैल्यू कितनी है, बी वन की वैल्यू 3 है, और बी टू कितना है, 2a-b है, और सी वन कितना है, 7 है, और ये 21 है, तो 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक है ना। तो सभी वैल्यू क्या होने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, जब सब बराबर होने चाहिए तो हम यहाँ पे देखिए क्या रख दें। अब इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करके देख लेते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन से। तो देखिए, 2/ अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूं और बी की वैल्यू 5 रखूं, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 3 6, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे रख के देख लेते हैं, 2 एकम 2 2a, तो a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1, तो 2-5, तो ये आपका नहीं बना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो 2/a की वैल्यू कितनी है, 5 और 1 6, तो ये हो गया 2, ये 1/3, और यहाँ 3, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 × 5, ठीक है ना। अब हम क्या रख रहे हैं, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं, तो 5 × 10 माइनस कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 3 का 9 बराबर 1/3, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, गुड बच्चों, गुड। चलिए आगे करते हैं 11वां, ठीक है ना। आपसे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 3x+y=1 हो और इतना हो का कोई हल विद्यमान नहीं हो, तो k का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे कोई हल नहीं है, ठीक
ठीक है, कोई हल नहीं है तो बात आप बताइए केस कौन सा होगा। केस केस वन में एक हल होता है, क्या होता है, एक हल है। केस टू में आपका क्या है, केस टू में आपका होता है संपाति, अनंत हल होते हैं, ठीक है। और केस थ्री में आपका क्या है, केस थ्री में कोई हल नहीं होता है। और केस थ्री का कंडीशन क्या है, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं, 3/2k-1 बराबर 1/k-1 बराबर 1/2k+1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे जो जो हमारे पास कंडीशन है, इसको मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3k-3 बराबर 2k-1। तो यहां से 3k-2k बराबर -1 + 3 हो जाएगा और यहां से k बराबर 2 हो गया। कितना हो गया, k बराबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अब अगर हम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए 12वें नंबर पे चलते हैं। अब हम लोग देखिए 12वां नंबर आपसे क्या कह रहा है। 12वां नंबर समीकरण निकाय 2x+ky बराबर 1 और इतना के अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ठीक है ना। इसका मतलब केस वन है, केस वन है। इसका मतलब ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो अब यहां से हमारा हो गया 2/3 डज नॉट इक्वल टू कितना, के अपॉन -5 और कितना हो गया, डज नॉट इक्वल टू 1/7। तो ये बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो के का कौन सा मान बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम एक बार इसको लेके देख लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो गया 2/3 डज नॉट इक्वल टू के अपॉन -5। तो ये माइनस, ये हो गया -5, ठीक है। तो यहां से के इज इक्वल टू, के डज नॉट इक्वल टू 10/3 और ये माइनस। तो एक तो आपका आ गया, तो ये आपका ऑप्शन में मिल गया, ये सही हो गया। अब अगर मैं इधर वाला लेके देख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला लेके देख लूँ, तो आपका क्या होगा, के अपॉन -5 डज नॉट इक्वल टू 1/7। तो के बराबर हो जाएगा 5/60 डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन में नहीं है, तो आपका कौन सा, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 हो गया, 13वां, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका पूछता है, युगपत समीकरण में आता है इस तरह का क्वेश्चन। एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं, यदि इनकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी है। देखिए देखिए इसका एक ट्रिक भी है, लेकिन मैं ट्रिक से कभी नहीं बताता, ठीक है ना, ट्रिक व्रिक भूल जाता है, ठीक है ना, भूल जाता है। अब देखिए आप एक बात बताइएगा कि एक तोता और बाघ, ठीक है, सिर कितने होते हैं, इसके सिर कितने होंगे। सिर तो इसका भी एक होता है और सिर इसका भी एक ही होता है, लेकिन तोते के पैर कितने होंगे, दो होंगे, और बाघ के पैर कितने होंगे, चार होंगे। बस बेटा हो गया, तोते को मैं लिख लेता हूँ पैरट और सिर को मैं लिख लेता हूँ टाइगर, ठीक है। तो पैरट का एक एक सर और टाइगर का एक सर प्लस करेंगे तो कितने सर होने चाहिए, 858। इक्वेशन एक बन गया। अब ये तोता और ये टाइगर, तोते के दो पैर, ठीक है, प्लस टाइगर के चार पैर बराबर 1746, ठीक है। बस अब आपके पास इक्वेशन बन गया, पी प्लस टी बराबर 858 और 2p+4t बराबर 1746, 1746। अब यहां से हम क्या करें, इक्वेशन में वन में दो दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2p+2t बराबर। अच्छा आपको पूछ क्या रहा है, पहले ये देख ले, तोतों की संख्या पूछ रहा है ना, इसको हटाइए अभी, ठीक है, ये तोतों को पूछ रहा है ना, तो हमें टाइगर को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम टाइगर को बराबर कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है, ए हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपसे पूछ रहा है तोतों की संख्या, तोतों की संख्या, ठीक है, तोतो तोतो। तो यहां पे हम टाइगर को बराबर कर लेते हैं, तो इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में हम चार का मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइगर चार है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 4p + 4t बराबर 858 गुणे 4। बच्चों की तरह 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 5 चौक 20 और 3 23 का 3 हासिल लगा 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34 हो गया 34 32, ठीक है। और ये हो गया आपका 2p + 4t बराबर 17 46, ठीक है। अब हम क्या करें, इनको इक्वेशन 1 - 2 कर दें तो घटा दें, ये भी घट गया, ये भी घट गया, ये भी घट गया, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो आपका 4t और 4t कट गया और 4 में से 2 गया तो 2p बचा बराबर 12 में से 6 गया 6 और 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 7 6, ठीक है ना, 13 में से 7 गया, अरे यार 3 और 4 6 बचा और यहाँ पे कितना बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। तो p बराबर कितना हो गया, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 800 सही सही काटे पीटे हैं कि नहीं यार एक बार देख लो, ठीक है। 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, 843 आ रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, एक ऑप्शन ये भी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, 843, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं जोड़ घटाने में गलती हो तो उतना आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है, मतलब देखिए कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितनी है, 85 है, ठीक है, और 380 आम है, ठीक है ना, में बांटे जाते हैं, तो 85 बच्चों में 380 आम बांटे जाते हैं, 85 बच्चों में 380 आम बांटे जाते हैं, प्रत्येक लड़के को 4 आम, मतलब एक लड़के को 4 आम प्लस प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलता है, प्लस प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलता है, तो बराबर 380 आम हो गया, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, लड़कियों को बराबर कर लेंगे, यहाँ पे लड़कियों को बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 5b + 5g बराबर 85 × 5 और दूसरा क्या हो जाएगा, 4b + 5g बराबर 380, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 25 का 5 हासिल लगा 2, 8 45 2 42, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको घटा दें तो ये घट जाएगा, तो ये कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल b बचेगा और 5 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 5 और 12 में से 8 गया 4, ठीक है, तो b बराबर आपका 45 आ गया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात बच्चों, ये घटाने उठाने वाली चीजें बहुत बेसिक हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ घटाने वाला चीज, हो सकता है किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो, देखिए शुरू से बता देते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो समझ ले कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए आपसे बोला बॉय और गर्ल जो है मिला के 85 हैं, एक लड़की को जो आम मिलता है 4, तो लड़कों तो जितने लड़के हैं उसमें 4 का मल्टीप्लाई प्लस 5, लड़कियों को 5 मिलता है, जी बराबर 380 आम टोटल है। अब बोला जा रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, तो आपको लड़कों को क्या रखना है, जिंदा रखना है, और लड़कियों को क्या करना है, खत्म कर देना है, तो हमें यहाँ लड़कियों को, ये जो जी है इनको खत्म करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जी में जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है, एक मिनट पेन चेंज कर लें, हो जाओ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इसलिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम लड़कियों को बराबर करके काट देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 है तो हम इसमें 5 का अगर हम गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 का कर दें, यहाँ पे भी 5 का कर दें और यहाँ पे भी 5 का कर दें, तो हमारा ये जो इक्वेशन 1 था वो क्या हो जाएगा, 5y + 5g बराबर
कितना था, 8 5 25 का 5, 8 5 40 2 42, इतनी हो गई ना। अब दूसरा इक्वेशन हमारा वैसे ही रहेगा, 4b + 5g बराबर 380, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये भी आपकी 5 लड़कियां हो गई 5g, और ये भी 5g हो गया। तो अगर अब हम घटा दें तो यहाँ पे घटाएंगे, घटाने का निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी घटाने का निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी। अब आप देखिए, ये आपका प्लस का है और ये आपका 4b माइनस का हो गया, तो 5 में से 4 गया, 1 आएगा, ठीक है। और साइन कौन सा रहेगा, जो संख्या बड़ी रहती है वही साइन आता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, ये भी 5g प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, और ये बराबर। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब आपका ये जो युगपत समीकरण था, ठीक है ना, युगपत समीकरण, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो पछताएंगे। और आपका जो केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है, ठीक है ना, इन तीनों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे करना है, एक एक सादे पेज पे ऐसे टेबल बनाइएगा, टेबल बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, और उस पन्ने को अपनी दीवार पे, जहां आपका स्टडी टेबल है, जहां आपका स्टडी टेबल है, वहां पे क्या कर दीजिएगा, चस्पा कर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, फेविकोल तो होगा ही, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले चैप्टर में।